लगे हुए हैं और इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि कब ईवीएम जो है वो ठीक हो जाए और जिस काम को करने के लिए आए हैं यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उसका इस्तेमाल करें और सत्ता परिवर्तन की रास्ते में एक कदम आगे वो बढ़ सके। लाइनों में लोग लगे हुए हैं, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झालापाटन से इस बार चुनावी मैदान में फिर से उतरी है वसुंधरा राजे, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे की मीडिया से मुखातिब भी हुई थी, दो तस्वीरें जहां पर आम जनता वोट करने के बाद से बाहर निकल रही है खुशी खुशी, दूसरी तस्वीरें बाबा बालकनाथ की तिजारत से इस बार प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और एक बात ये भी है, इस बार चुनाव आयोग ने कई नई तैयारी की है, कई नए व्यवस्थाएं भी की हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यानी पूरे 11 घंटे तक मतदान किया जा सकेगा और इस लिहाज से चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत हो। 74% के आसपास पिछली बार 2018 में चुनाव का प्रतिशत सामने आया था और जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें और उत्साह देखने में सामने आ रहा है तो ऐसा साफ तौर पर लग रहा है और होना भी यही चाहिए कि पिछली बार के रिकॉर्ड टूट जाए। ये तस्वीर लाइव है आपके सामने, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है आपके सामने जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता वसुंधरा राजे देखने में दिखाई दे रही हैं। मतदान केंद्र में वो पहुंची हैं और देखिए मतदान अपना। आपको ये भी बता दें कि वसुंधरा राजे को लेकर इस बार तमाम हलचल भी रही, तमाम कयास भी लगाए गए, तमाम प्रश्न भी उठे कि इस बार बीजेपी की तरफ से कौन सीएम कैंडिडेट होगा, चेहरा कौन सा होगा। वसुंधरा राजे ने भी अब देखे जब वो धागा सूत्र का कार्यक्रम किया था तो वहां पर भी उन्होंने बड़ी बात कही थी, लोगों से कहा था कि इस बार आप हमें बचाइए और ये वोट कास्ट करते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। चेहरे की बात श्रुति आपने की तो चेहरे की बात बार बार बीजेपी की तरफ से साफ कर दी गई है कि इस बार तो चेहरा राजस्थान में कमल का फूल ही बीजेपी की तरफ से है। हाँ। और इसी बात को लेकर यहां ये चीज निकलकर सामने आ रही है। एक बयान का जिक्र जो हम विस्तार से बात करने में चूक गए थे, प्रियंका ने जिसका पहले ही जिक्र किया था, सचिन पायलट के बयान का। सचिन पायलट से जब सवाल मीडिया कर रही थी सचिन पायलट ने कहा कि निश्चित ही कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि गहलोत जी के नेतृत्व में या गहलोत जी की सरकार आ रही है या फिर गहलोत जी के काम के जरिए सरकार आ रही है। तो गहलोत, अशोक गहलोत का नाम कहीं पर भी नहीं लिया बड़े सही तरीके से यहां पर, क्योंकि नेताओं की जो भाषा होती है, नेताओं के जो बयान होते हैं, कहा जो जाता है उसके पीछे के मायने निकालना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सचिन पायलट ने कल भी एक बहुत बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि नेता नीति और नेतृत्व के हिसाब से ही लोगों को वोट कास्ट करना चाहिए और साफ बात उन्होंने ये भी कहा था कि अगर चुनाव में चर्चाएं ना हो तो मजा नहीं आता है, चुनाव में तो चर्चाएं होनी ही चाहिए। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़े दिग्गज जो वोट कास्ट करने के बाद निकले हैं। तो 5 तस्वीरें आपको दिखाई, ये देखिए पूरी इस टीवी स्क्रीन के जरिए न्यूज 18 राजस्थान पर न सिर्फ आप तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी बातों को समझ रहे हैं, बड़े चेहरों को समझ रहे हैं, बल्कि 2018 में जो प्रतिशत रहा है मत मिलने का और अलग अलग जो जानकारी निकल कर आ रही वो भी, और महामुकाबला कहां कहां पर है, हॉट सीट कौन कौन सी है वो भी लगातार आप नीचे देख पा रहे हैं और जो सेल्फी आप हमको भेज रहे हैं वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी बाबूलाल ढाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, महापर्व लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, कितना उत्साह वहां पर लोगों में, और कई जगह से तस्वीरें ये भी सामने आ रही हैं कि ईवीएम मशीन ही खराब हो जा रही है, अभी क्या चल रहा है वहां पर? वसुंधरा राजे क्या कुछ बोल रही है वो आपको सुना देते हैं पहले। ऑलराइट भैया, नो इज गोइंग एनीवेयर, भैया वोटर तो ठीक है ना वहाँ से? हाँ बताओ। वन एट अ टाइम। आज का मैसेज, आपने वोट डाला है भैया, बहुत सिंपल मामला है। अच्छा भैया, I'm trying to appeal to you. Just don't move now. Just don't move, okay? Now I'm just going to step one step back. You please stay there. Come on. Thank you. All right. Now this is much better. देखिए, मेरा तो आग्रह होगा सब वोटर्स से, स्पेशली नव मतदाताओं से, जो नव मतदाताओं से कि वो आए और अपना वोट अवश्य कास्ट करें। आज ये वोट उनके राष्ट्र के लिए, ये वोट हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, और ये वोट आने वाले नेशन बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैम, आपके ग्रैंडसन भी आए हैं। हाँ,
आपका ग्रैंडसन भी आया फर्स्ट टाइम वोट करने? हाँ, हमारे पास भी फैमिली में फर्स्ट टाइम वोटर है, मुझे बड़ी खुशी है इसको, तो अच्छा हुआ है, बहुत दिल्ली से रात भर चल के आया है जस्ट टू कास्ट हिज वोट टुडे। अभी तो पहले अपन आग्रह करें उन लोगों को जिनसे अपन वोट पाया जाते हैं। मैं भी कह रही हूँ अंडर करंट है। वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने नए मतदाताओं से सबसे पहले कहा कि वोट। और इस बार कांग्रेस सरकार, मैं भी कह रही हूँ आई एम अग्रीड विथ हिम कि अंडर करंट है, और वो अंडर करंट उनको अपने को सबको दिख जाएगा 3 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। Congress government has talked about their social welfare schemes. As far as I'm concerned, I just would like to request all voters to come out, because this is a very important moment. All voters, especially the young ones, the new ones, it's a major request to all of them to come out to vote. Jaisa maine kaha, I hope the lotus of flowers properly today, and I hope that this is also a vote cast for nation building. You have a young voter in your family who's come, Vinayak is standing right next to you, so after you we're going to ask him also something, but what's your, you know, he came all the way to vote. Yes, I think that all the Navbat Datas generally, as one speaks to them, there's a lot of enthusiasm because they are first time voters and they are feeling like now they are part of the big nation building machinery, so it's a very big thing for them, and he's driven all night to come here. Mr. Gehlot is saying that this time there is an undercurrent and the rivers would be changed in Rajasthan. I am also agreed that there is an undercurrent, but he will recognize the undercurrent on the 3rd. And I think that undercurrent would make it very clear that the undercurrent is in favor of the BJP. अंडर करंट है, जी हाँ अंडर करंट है, 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। ये बड़ी बात पर थोड़ा विस्तार से बाद में करेंगे, लेकिन पहले सीधा रुख रोशन का करेंगे, बड़ी खबर उनके पास जरूर है। रोशन, रविंद्र देखिए, एक ऐसा परिवार हमारे साथ मौजूद है जिनमें 18 साल से लेकर 80 साल तक के जो बुजुर्ग हैं, वो पूरे लोग एक साथ संगठित होकर वोट करने के लिए जाते हैं। इस वोट की क्या कुछ ताकत है, ये हम इन तमाम वोटर से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे कि जो किस तरीके से इस लोकतंत्र के महापर्व को ये महिलाएं सेलिब्रेट कर रही है। देखिए, गीत यहाँ पर है, संगीत यहाँ पर है, वोटर्स यहाँ पर है। ये किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप इसको, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप इसको त्योहार को? बहुत अच्छी, बहुत खुशियां मना कर रहे हैं, हमारा सारा परिवार एक